हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली पेंशन पर हरियाणा सरकार ने बड़े नियम है वो लागू किए हैं। पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है वो सामने निकल कर आ रही है। अगर आपने ये काम नहीं किए हैं तो आपकी जो पेंशन है वो रोकी जा सकती है और काटी भी जा सकती है। अगर आप हरियाणा में बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग, लाडली पेंशन लेते हैं तो आपको ये काम है वो करना पड़ेगा, वरना आपकी जो पेंशन है वो काट दी जाएगी। तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हरियाणा से जुड़ी कोई भी ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं, पेंशन से जुड़ी कोई भी ताज़ा अपडेट आती है, बीपीएल राशन कार्ड पर कोई भी नई योजना चलाई जाती है उसकी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इस चैनल पर मैं कोई भी योजना से जुड़ी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको बता देता हूं कि पेंशन से जुड़ी क्या बड़ी अपडेट है वो सामने निकल कर आ रही है। आपको पता होगा कि हरियाणा में जो पेंशन बनाने के लिए आपको फैमिली आईडी चाहिए। अगर आपकी फैमिली आईडी नहीं बनी हुई है तो हरियाणा में आपकी जो पेंशन है वो नहीं बनाई जाएगी। और इसके अलावा क्या है, जो पेंशनें बन रही है बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग, लाडली पेंशन है वो फैमिली आईडी से बन रही है। ऑटो मोड पर जो पेंशन है वो रखी गई है। अगर आपकी फैमिली आईडी में सब कुछ ठीक है तो आपकी हरियाणा में पेंशन बन जाएगी। अगर आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट या वगैरह वगैरह नाम कुछ गलत है तो आपकी जो पेंशन है वो हरियाणा में नहीं बनेगी। इसके अलावा मैं बुढ़ापा पेंशन से जुड़े जो नियम है वो बता देता हूँ। तो आपकी जो पेंशन बनाने के लिए हरियाणा में आपकी जो है फैमिली आईडी होनी चाहिए और फैमिली आईडी में आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है या आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो अपलोड होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट भी वेरीफाई नहीं होता है फैमिली आईडी में तो भी आपकी जो पेंशन है हरियाणा में नहीं बनेगी। पेंशन कटने का जो कारण है वो फैमिली आईडी ही है। जिन भी पेंशन धारकों की पेंशन कटी है वो फैमिली आईडी से ही कटी है और फैमिली आईडी से ही उन पेंशन धारकों की पेंशन बनी है। अब विधवा पेंशन की बात करते हैं तो विधवा पेंशन के लिए आपको जो फैमिली आईडी में क्या है, आपका जो हस्बैंड है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा। और आप हरियाणा में विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, विधवा पेंशन धारक हैं तो अपनी फैमिली आईडी में अपना जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, अपने हस्बैंड का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो अपलोड करवा ले अगर अपलोड नहीं है तो। इसके अलावा जो विकलांग पेंशन की बात करते हैं तो विकलांग पेंशन में ऐसा है कि आपका जो विकलांग का जो सर्टिफिकेट होता है उसको आप अपलोड करवा लें। जो फैमिली आईडी में विकलांग का जो ऑप्शन होता है उसमें यस करवा कर आपकी जो विकलांग का जो सर्टिफिकेट होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है और जो उसकी जो डेट होती है कब रजिस्टर हुआ है वो अपलोड करवा लें, वरना आपकी जो दिव्यांग पेंशन है वो भी रोकी जा सकती है। लाडली पेंशन की बात करें तो लाडली पेंशन आपको अप्लाई करवानी पड़ेगी। बच्चों के लिए आप पेंशन लेना चाहते हैं तो पेंशन आपको अप्लाई करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपकी पेंशन बनेगी। पहले हरियाणा में आपको पेंशन अप्लाई करवानी पड़ती थी, फॉर्म भरवाने पड़ते थे और आपकी जो पेंशन है बनती थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने जब से फैमिली आईडी बनाई है तब से आपकी जो फैमिली आईडी से ही आपकी जो पेंशन है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो अब की बार पेंशन में देरी हुई है वो किस कारण से हुई है। आपकी फैमिली आईडी से ही आपकी पेंशन में देरी हुई है। क्यों हुई है, जो फैमिली आईडी का डाटा है वो उठाया गया है, उसमें क्या है किसी ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र वो अपलोड नहीं करवा रखा अपने हस्बैंड का, किसी ने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड नहीं करवा रखा, किसी का यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सी गलती है जो फैमिली आईडी में आपको ठीक करवानी पड़ेगी। अगर आपकी फैमिली आईडी में गलतियाँ ठीक नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अपने जो नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी ठीक करवा लें और फैमिली आईडी को अपडेट है वो ज़रूर करवाते रहें 2-3 महीनों के अंदर अंदर, क्योंकि जो इसमें आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी आप रिक्वेस्ट डलवा कर अपनी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो ठीक करवा सकते हैं। और जो अब की बार पेंशन मिली है वो बुज़ुर्गों को और जितने पेंशन धारक हैं उनको बहुत लेट मिली है। बुढ़ापा पेंशन पहले ही आ गई थी लेकिन जो विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, लाडली पेंशन है इनमें देरी हो चुकी थी और इनकी जो सभी की जो पेंशन है वो आ चुकी है। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसकी कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले बताऊँगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।